दिया चमके छोड़ी खन के लांग मारे लश्कर मारे। Hi guys, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले गाइस, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कुछ इस तरह के वीडियो जिसको कि रितेश देशमुख सर ने बनाया है और उस पे अभी तक 20 मिलियन प्लस व्यूज जा चुका है गाइस। तो वीडियो को पूरा देखें गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको तीन वीडियो को शूट करना है गाइस। पहला वीडियो आपको कुछ इस प्रकार से शूट करना है, चलिए हम प्ले करके उसको दिखा देते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार से एक्टिंग कर लेना है गाइस। दूसरा वीडियो कुछ आपको इस प्रकार से शूट करना है, आपको अपने हैंड को अपने टी शर्ट के अंदर कवर कर लेना है और कुछ इस प्रकार से एक्टिंग कर लेना है। और लास्ट वाला वीडियो एक ग्रीन पर्दा के पीछे आपको शूट करना है गाइस, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए एक सरप्राइज है, आप वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है गाइस। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और बीच वाला जो है 916 उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का आइकन खुल के आ जाएगा गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप जिस वीडियो को शूट किए हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट उस सारे वीडियो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस। तो चलिए फटाफट दोनों वीडियो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक गाइस। अब देखिए, आपका दोनों वीडियो यहाँ पे आ गया। अब इस दोनों वीडियो पे हम कुछ स्ट्रीम करेंगे गाइस, जो अनवांटेड पार्ट है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले वीडियो के कुछ इस वाले पोजीशन पे आपको चले आना गाइस। आपको कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है और सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना गाइस। उसके बाद आपको सेकंड वाले वीडियो पे आपको चले आना है और जहाँ तक आपका अनवांटेड पार्ट है उस वाले पोजीशन पे आपको आ जाना है और उसको ट्रिम कर देना है। तो देखिए, आपको इस वाले पोजीशन पे आना है और उसके बाद आपको कैंची पे क्लिक करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना गाइस। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगा गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो इसको थोड़ा सा आपको ट्रिम कर लेना, ठीक है। ये देखिए, अब तो यहाँ तक आपका बन के रेडी होगा गाइस। अब इसमें हम ग्रीन वाला जो हैंड वाला था वीडियो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जिन लोगों के पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो उनके लिए गाइस एक सरप्राइज है। मैंने वो वाला वीडियो हैंड वाला ग्रीन स्क्रीन वाला वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ गाइस, आप फटाफट जाइए उसको और डाउनलोड कीजिए गाइस। तो गाइस, अब बारी आता है अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पे ऐड करने का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए फटाफट उस वाले वीडियो को हम यहाँ पे ऐड कर लेते गाइस। हम आपको बता दें गाइस, ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का वीडियो है, हम इस पर थोड़ा सा और एडिटिंग किए हैं और इसको फुल ग्रीन स्क्रीन में हम इसको चेंज कर दिए। यही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप फटाफट जाइए, जिसको डाउनलोड करना है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको अनेबल करना है। और अनेबल करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर 61 रख लीजिए और इसको 36 कर दीजिए, 35-36, ठीक है। उसका ओके करना गाइस। आपका देखिए हैंड यहाँ पर बन गया है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा एडिटिंग होगा। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको अपने ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को अपने हैंड वाले वीडियो से आपको मैच करना है। तो चलिए फटाफट हम मैच कर लेते हैं गाइस। तो उसके लिए आपको इस वाले पोजीशन पर आपको आ जाना है यहाँ पर और ग्रीन स्क्रीन वाले पर आपको क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते हुए आपको कुछ यहाँ पर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इस वाले वीडियो पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपको ले जाना है और इसको थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है, इस तरह से बड़ा कर लेना और यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, आप इसको बड़ा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको ओके करना है और आपका देखिए वीडियो बन गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है गाइस। तो अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, लेकिन मैंने इस वीडियो में ऊपर की तरफ देखा है तो इसलिए मैंने अपने हैंड को ऊपर नीचे किया गाइस। अगर आप वो वाला करना चाहते हैं तो वो भी आपको हम करके बता देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना गाइस, अपने इस वाले वीडियो पे क्लिक करना गाइस और इस स्क्रॉल करते हुए उस वाले पोजीशन पे आ जाना है जहां आप नीचे देख रहे हैं
वहाँ पे आपको चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और एक चाबी यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाले पोजीशन पे आ जाना है, और जैसे ही आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए इधर आना है, फिर आपको यहाँ पे करना है, फिर जैसे ही आप ऊपर देख रहे हैं फिर आपको इस तरह कर देना है, और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये देखिए। तो गाइस आपका वीडियो बन के रेडी है गाइस। उससे पहले आपको आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने सारे साउंड को ऑफ कर देना है। तो उसके लिए आपको हर एक वीडियो पे क्लिक करना है, साउंड वाले पे जाना है गाइस, और इसको जीरो कर देना है, और इस वाले पे भी आपको उसी तरह से कर देना गाइस। हम फटाफट कर देते हैं, और इतना हो गया गाइस। आपको क्या करना है, रितेश देशमुख सर वाला वीडियो का यहाँ पे साउंड ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और उसके बाद उस वाले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट हम इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद तो आप जानते हैं गाइस, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे आपको क्लिक करना है गाइस, और इस वाले वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। देखिए आपका साउंड बन के रेडी हो गया गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको शेयर वाले बटन पे जाके क्लिक करना है, और इसको फुल HD में आपको एक्सपोर्ट कर देना गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।